हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू सिल्वर स्पून। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही टेस्टी बटर चिकन की रेसिपी। पता है फ्रेंड्स, ये इंडिया में मोस्ट सर्च्ड रेसिपी में से एक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पॉपुलर और टेस्टी रेसिपी को बनाने के प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 400 ग्राम चिकन। अभी हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून कर्ड ऐड कर दिया है और फ्रेश कर्ड के साथ जा रहा है सॉल्ट 1 टीस्पून और लेना है लेमन जूस 1 टीस्पून, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट हमें 1 टीस्पून लेना है और जा रहा है मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मस्टर्ड ऑयल के साथ जब रेड चिली पाउडर मिक्स्ड होता है तो उसका एक अलग ही लेवल का कलर होता है। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है 1 टीस्पून, ताकि ये अच्छे से मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स्ड होकर बढ़िया सा एक कलर लाए। कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर आपका आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए अपने चिकन को। अगर आपके पास तंदूरी चिकन है तो आप इस रेसिपी में तंदूरी चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं फ्रेश चिकन का इस्तेमाल करूंगी। तो अभी हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो इस साइड में हमारा पैन हो गया है गरम और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और उसी के साथ जा रहा है अ गुड क्वांटिटी ऑफ बटर, क्योंकि ये बटर चिकन है तो हमें अच्छा खासा बटर का इस्तेमाल करना है। तो वैसे तो मैं ऑयल और बटर का इस्तेमाल अपने रेसिपी में कम करती हूँ, पर यहाँ ज़रूरी है। तो इसी स्टेज में बटर मेल्ट होने के बाद हमें ऐड करना है 2 बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, 4 ग्रीन इलायची, 1 बड़ी इलायची, कुछ दालचीनी और 4 लौंग। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद जब इसका फ्लेवर जो है वो बाहर आ जाए, उसी स्टेज में अपना अनियन ऐड करना है। तो 3 अनियन मैंने ऐड कर दिया है, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर दिया था। इसको बिल्कुल हल्का सा हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हम इसका प्यूरी बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल लाइट फ्राई करना है ताकि इसका जो रॉनेस है वो चला जाए और फ्लेम मीडियम रखना है। तो इसी स्टेज में हमें ऐड करना है 2 टोमेटो। मार्केट से आप बिल्कुल फ्रेश रेड कलर का टोमेटो लीजिए, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत बढ़िया आनी चाहिए। तो बिल्कुल रेड टोमेटो का इस्तेमाल आपको करना है। तो हल्का सा आप टोमेटो को भी फ्राई कर लीजिए और इसी के साथ हमें ऐड करना है 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम इस स्टेज में इसीलिए ऐड करते हैं ताकि अनियन और जो टोमेटो है वो बहुत जल्दी नरम हो जाए। और रेड चिली पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून और लेना है काजू। कुछ काजू का इस्तेमाल किया है हमने, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के वाइज ले सकते हैं। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। तो जिंजर गार्लिक के साथ हल्का सा चला लीजिए और बिल्कुल 1-2 मिनट बाद हमें ऐड करना है इसका जो प्यूरी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होता है। तो पानी हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो हल्का सा पानी के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकने दीजिए ताकि अपना जो अनियन है, टोमेटो है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देख लीजिए, 5 मिनट हमारा हो गया है और अपना जो अनियन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम अपना जो इंडक्शन है उसको करेंगे ऑफ और इस जो सारे मसालों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें ब्लेंड करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक गरम पैन में ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और अपना जो मैरिनेटेड चिकन था उसको ऐड कर रही हूँ, ताकि चिकन का जो टिक्का है वो हमें इसी स्टेज में बनाना है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बस कुछ स्टेप्स को आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। तो आपका जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जो बटर चिकन है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी बटर चिकन का जो रेसिपी है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो टिक्का आप बना लीजिए। अगर आप तंदूरी चिकन से इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वो भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फ्रेश चिकन टिक्का बना के उसका इस्तेमाल करूँगी।
तो ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो अभी हम इसका जो एक साइड है उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अभी हम सारे पीसेस को कर देंगे टर्न। ये देखिए चिकन को हमें थोड़ा सॉफ्ट बना लेना है, इसके लिए हमें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना बहुत जरूरी है। तो सारे पीसेस को मैंने टर्न कर लिया है और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम में हमें अच्छे से फ्राई कर लिया है, और एक एक करके सारे पीसेस जो है अभी हम उठा लेंगे। बस तो अभी हम चलते हैं मेन प्रोसेस की ओर, और एक बार हमें ऐड करना है अपना बटर। तो बटर मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून का इस्तेमाल किया है, और उसको मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और इसी स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ अपना फाइन प्यूरी, जो हमने टमाटो ऑनियन और मसालों के साथ जो मतलब जो पेस्ट बनाई थी वही पेस्ट को अभी हमें ऐड करना है। तो क्योंकि हमारा जो पेस्ट है वो बहुत ही फाइन बना है, बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की बना है, तो मैंने इसे स्ट्रेन नहीं किया है। पर अगर आपके मतलब पेस्ट के बीच में कोई भी बड़ा हिस्सा रह जाए तो आप बेहतर यही होगा एक बार एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा पकाने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप वाटर। तो इस वाटर को मैंने ब्लेंडिंग जार में पहले लिया था ताकि उसमें जितना भी प्यूरी बचा था वो थोड़ा सा इसमें भी आ जाए। तो 1 कप वाटर हमने ऐड कर दिया है। ये देखिए अपना ग्रेवी जो है वो कितना शाइनी, कितना सिल्की स्मूथ बना है, और इसका कलर कितना अच्छा बना है। और इसको बिल्कुल 5 मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा ये उबलने लगे उसी टाइम में आपको ऐड करना है अपना चिकन टिक्का। तो अगर आपके पास चिकन तंदूरी है आप उसको भी इसी स्टेज में ऐड कर दीजिए, वो भी बहुत ही बेहतर बनता है। तो अपना जो चिकन टिक्का है वो हमने केयरफुली अपने ग्रेवी में ऐड कर दिया है, और इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। नान के साथ तो बटर चिकन का मतलब क्या बोलूं, बहुत ही पॉपुलर एक रिश्ता है। नान के साथ बटर चिकन हमेशा बहुत ही फेमस होता है, तो आप इसको नान के साथ भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए अपना चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए अपना जो बटर चिकन है वो पक के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, और बिल्कुल एंड मोमेंट में हमें सम फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड करना है। फ्रेश कुकिंग क्रीम आप ऐड कर दीजिए, और ऐड करेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके आपको ऐड कर देना है। परफेक्ट। तो ये देखिए अपना बटर चिकन का कलर, इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ शाइनी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी हम मिक्स कर रहे हैं, और अपना बटर चिकन जो है वो बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स बटर चिकन बनाने के प्रोसेस तो आपने सीख लिया है, तो घर पे इस रेसिपी को बनाइए, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड का जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई रेसिपी सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू।